अनुभव दुबे को एडवोकेट काउंसिल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश का महासचिव नियुक्त किया गया। एडवोकेट काउंसिल ऑफ इंडिया की सलाहकार समिति की संस्तुति पर एडवोकेट अनुभव दुबे को प्रदेश महासचिव मनोनीत किया गया। विदित हो कि इससे पहले अनुभव दुबे फिरोजाबाद के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अनुभव दुबे एडवोकेट संस्था की प्रतिष्ठा व पद की गरिमा को बनाए रखते हुए अधिवक्ता हित के कार्यों के प्रति पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ सदैव तत्पर रहे। संस्था के प्रति इनके समर्पण, सहयोग व सक्रियता के कारण उत्तर प्रदेश सलाहकार समिति द्वारा इन्हें प्रदेश महासचिव पद की जिम्मेदारी दी गयी। अनुभव दुबे ने बताया कि एडवोकेट काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ता हितों के लिए संघर्ष करने वाली संस्था है। संस्था अब तक उत्तर प्रदेश के 63 जिलों में कार्यरत है। उत्तर प्रदेश के अलावा संस्था पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, उत्तराखंड व महाराष्ट्र में भी सक्रिय है। शीघ्र ही संस्था अपने करवट, निष्ठावान व समर्पित सदस्यों के सहयोग से देश के सभी राज्यों, जिलों व तहसीलों तक विस्तार प्राप्त कर लेगी। अनुभव दुबे एडवोकेट को प्रदेश महासचिव के पद पर मनोनीत किए जाने पर प्रदेश के अधिवक्ताओं में हर्ष की लहर व्याप्त है। एडवोकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इस अवसर पर काउंसिल के सदस्यों सहित देश व प्रदेश के तमाम अधिवक्ताओं द्वारा अनुभव दुबे को बधाई व शुभकामनाएं देने का दौर जारी रहा। सूर्य प्रताप सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। एडवोकेट है और मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद न्यायालय डबरी में प्रैक्टिस करता हूँ। पूर्व में मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी एडवोकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा सौंपी गई थी, जिस पर मैं कार्य कर रहा था और बेहतर कार्य करने का प्रयास कर रहा था। अभी फिलहाल मैं आगरा में एक मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, और जिसमें समिति जो एडवोकेट काउंसिल की समिति है, वहाँ की एडवाइजरी कमेटी, जिसके द्वारा मुझे उत्तर प्रदेश महासचिव की जिम्मेवारी सौंपी गई। और मुझे लगता है कि अब मेरा कार्य और बढ़ गया है, क्योंकि इससे पहले मैं जिला स्तर पर कार्य कर रहा था और अब प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, तो कार्य काफ़ी बढ़ गया है और इस पर मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। अधिवक्ताओं से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि अभी पारित नहीं हुआ है, उसके लिए थोड़ा वर्क करना है, और अधिवक्ता जो भी न्यू कुमार एडवोकेट्स जो अभी कोर्ट्स में आ रहे हैं, जिनका COP क्लियर हो गया, वो अधिवक्ता श्रेणी में ही आते हैं, और उनसे लेके सीनियर अधिवक्ताओं तक जो भी समस्या है प्रदेश में, उन सब कार्यों का देखते हुए, उन सबकी समस्याओं को देखते हुए, मुझे स्टेट बार काउंसिल से निस्तारण, उनका अगर स्टेट बार काउंसिल से नहीं हो पाता है तो ऑल इंडिया बार काउंसिल से निस्तारण, ये सारे सरकार मुझे को करना है। और मुझे लगता है कि जल्दी जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को पारित करने के लिए प्रयास किया जाएगा।